हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है यतिन, स्वागत है आप सभी का रेलवे नितिन के एक और फ्रेश मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रेन एपिसोड में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जोधपुर रेलवे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, जो ये खबर मैं देने जा रहा हूं, ये जोधपुर वासियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि जोधपुर से दादर के लिए एक और ट्रेन चला रही है इंडियन रेलवेज़, जो कि मिलेगी आपको जालौर के रास्ते। तो जोधपुर को जालौर के रास्ते दादर के लिए मिली नई ट्रेन, ये एक खबर थी जो मैंने पढ़ी। तो मैंने सोचा कि इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के आप सभी के सामने पेश की जाए। दोस्तों, इस ट्रेन की शुरुआत होगी सितंबर से और ये ट्रेन सप्ताह में 3 महीने चलेगी। दोस्तों, रेलवे के अनुसार जो इस ट्रेन के ट्रेन नंबर रखे गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 14807 और 14808। ये इस ट्रेन के ट्रेन नंबर है। 14808 दादर से भगत की कोठी के ट्रेन नंबर है और 14807 भगत की कोठी से दादर के ट्रेन नंबर है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये ट्रेन 25 सितंबर को कितने बजे दादर से रवाना होगी। दोस्तों, 25 सितंबर को ये ट्रेन स्टार्ट की जाएगी और ये दादर से रात के 12:05 पर निकलेगी और अगले दिन दोपहर के 1:05 पे भील्डी से निकलेगी और शाम को 6 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। दोस्तों, इसी प्रकार जो अपनी दूसरी ट्रेन है वो 14807 जो कि भगत की कोठी से दादर के लिए चलाई जाएगी, जो कि सुबह 5:30 भगत की कोठी से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:08 पे भील्डी से रवाना होगी और ऐसे ही रात को 10:15 पे दादर पहुँचेगी। दोस्तों, इस ट्रेन के मेन मेन स्टॉपेज की बात करूं तो यह ट्रेन समदड़ी, जालौर, मारवाड़, महसाना, साबरमती, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी व बोरीवली स्टेशनों से होती हुई अपने दादर पहुंचेगी और यही इस ट्रेन के जो रिवर्स स्टॉपेज हैं, यानी कि आते टाइम वडोदरा, महसाना, भील्डी, मारवाड़ और समदड़ी होते हुए ये भगत की कोठी पहुँचेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर किन किन दिनों में ये ट्रेन संचालित होगी। तो दोस्तों, भगत की कोठी से ये ट्रेन रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी और रिवर्स की बात करें तो यही ट्रेन दादर से सोमवार, बुधवार और शनिवार को संचालित होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।